दिस इज राज राव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद राज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सबको पूछते हैं केम छो मजामा हूँ, पण एकदम मजामा। अभी हम लोग है थ्री इडियट्स की शूटिंग जहाँ पे हुई है, सिद्धोवाला लॉज जो की काफी फेमस प्लेस है यहाँ की, और ये लोकेटेड है रिज में, वहाँ पे है हम लोग, और ये मॉल रोड के जस्ट पास में है। और अभी हमारा आगे का प्लान है शिमला का फूड एक्सप्लोर करना, यहाँ के बेकरी आइटम्स एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बेकरी आइटम यहाँ की एक नंबर है, हम लोग कल से आए यहाँ पे बेकरी आइटम पे ही जी रहे हैं। मैकडी वैकडी भी खाया हमने, लेकिन बेकरी आइटम यहाँ की बेस्ट है। हम भी सजेस्ट करेंगे कि हमने जो जो बेकरी एक्सप्लोर किया वो आप भी जरूर जाना। और अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक लोकेशन पे, कैब करी हमने उसके लिए, तो आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। चलिए आप हमारे साथ और एक्सप्लोर करिए शिमला। यहाँ पे हमारा रूम यहाँ से ऊपर की साइड, और निकलते ही आ जाता है रिज, तरीज आ जाता है बाहर, क्योंकि मॉल रोड का एक पार्ट है। सुबह सुबह पूरा मॉल रोड खाली है। अभी टाइम हो रहा है 10:05 और पूरा मॉल रोड खाली है। देखो तो पूरा मॉल रोड खाली है। यहाँ पे व्यू देखो, मस्त सूरज निकला हुआ है। तो जी यही सीन है जो राजू और फरहान आते हैं और जब एड्रेस पूछते हैं घर का, रेंचो के घर का, तो ये वही वाला सीन है पूरा। इसको रिज बोलते थे, रिज। और यहाँ से है रणछोड़दास शामलदास चांचड़ का घर, जो कि हमारी होटल। ये देखो यहाँ पे सिद्धो वाला लॉज, वहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया जहाँ से फरहान और राजू ने पूछा था, और सेम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो पूरा लक्कर बाज़ार आ जाता है। मतलब दरीज से जैसे नीचे उतरते हैं पूरा लक्कर बाज़ार आ जाता है। अभी सुबह सुबह पूरा मार्केट खुला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 12-1 बजेगा पूरा मार्केट खुल जाएगा, और शाम तक सबसे अच्छा मार्केट लग जाता है यहाँ पे। जी हम पहुँचे हैं तृप्ति बेकरी, और यहाँ से कुछ खाने की चीज़ें पैक कराएंगे हम लोग। थे वहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पे थे। उसके बाद चल के पूरा यहाँ से उतर के यहाँ पे आए हैं। ये वाला स्पॉट है जहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी, चढ़ाई में तो होती ही है, पहाड़ों में तो यही लाइफ है। यहाँ पे देखो बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे सारे डेस्टिनेशन लिखे हुए हैं, लेकिन एक भी जगह ऐसी नहीं है जो हमने सुनी हुई हो। ये है हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, और काफी बढ़िया बना हुआ। कल यही बिल्डिंग दिख रही थी ना अपने यहाँ से? ये नहीं दिखती। हाईकोर्ट दिख रहा था। अच्छा, ये बिल्डिंग नहीं दिखती हमारे यहाँ से? नहीं दिखती। हमने तृप्ति बेकरी से लिया था पास्ता और बहुत सारी चीज़ें, तो अभी वही गाड़ी में खा रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने कुछ किया ही नहीं है। ये सामने जो टनल दिख रही है वो 1852 की है, अंग्रेजों के टाइम की। हम लोग पहुँचे हैं ग्रीन वैली, जो कि 12 महीना यहाँ पे ग्रीन रहती है। देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे ब्रश देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। जंगल का पानी इकट्ठा होता है, माल रोड के लिए जाता है। तीसरा पॉइंट है 4-5 घर वाला एक विलेज जिसका नाम है थरो, जहाँ पे कैप्सिकम की खेती होती है। चौथा पॉइंट है जहाँ पे सनी देओल बाग के जो हीरोइन थी अमीषा पटेल, उसको लेके जहाँ पे छूट जाते हैं और गहने वहने देता है उस गुड़िया को, वो वाला गदर मूवी का। अभी देखो अभी मिट्टू का टर्न आया, पहले मैंने देखा था और फिर मिट्टू ने देखा, 100 रुपए में हम दोनों ने देख लिया। अंकल मान गए, बोले मुझे ब्लॉग में ले लेना। मुझे सबसे अच्छा लगा टेंपल, जो माता का टेंपल था उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। मुझे तो कैप्सिकम खेती वाला अच्छा लगा। अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में, और यहाँ पे निकल रही है हमारी रस मलाई वेनिला फ्लेवर केक। यो ये देखो सुंदर नजारा, यहाँ से स्मोके माउंटेन्स दिख रहे हैं। अभी चले इस सामने, देखिए सामने मैक्सिमम जूम कर रखा है मैंने, बहुत दूर है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी है स्नो, जो रोड के साइड में पड़ा हुआ है ना वो स्नो है, थोड़ी थोड़ी देर में आता है। अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है।
जी भैया हमें बता रहे हैं कि कल हम जो थिएटर में जाके आए थे वहाँ पे गदर फिल्म की शूटिंग हुई है। हमें तो अभी तक पता ही नहीं था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सेट सेम लग रहा है। मैंने मिट्टू को भी बताया था कि गदर की मूवी वो जो गाना है मैं निकला गड्डी लेके, वो वाला शायद यहाँ पे शूट हुआ हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिट्टो था पूरा कॉपी लग रहा था। तो अभी भैया ने बताया, भैया यहाँ के लोकलाइट है, यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, तो उनको काफ़ी कुछ पता है यहाँ के बारे में। यहाँ पे देखो होटल की छत पे बना हुआ है हेलीपैड, तो कोई भी अपना हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे आता है तो डायरेक्ट होटल के ऊपर ड्रॉप हो सकता है। अच्छा लगा हुआ यहीं कहीं आसपास महेंद्र सिंह धोनी का भी फार्म हाउस है। फाइनली नारकंडा आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखो स्नो कितना सही स्नो चारों तरफ लगा हुआ है। ये दो तीन दिन पहले स्नो फॉल हुई थी, उसकी फ्रेश स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। नारकंडा जो मेन स्नो पॉइंट है यहाँ पे वो वाला, और यहाँ से हमारा पूरा स्नो स्टार्ट होगा जिसके लिए हमें जाना है। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत सारी हो रही है, लेकिन अभी एक्टिविटी का तो कुछ भरोसा है नहीं हमें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस ज़्यादातर हमें जाना है स्नो के लिए। यहीं से स्टार्ट हो गई है, देखिए अच्छी खासी स्नो है यहाँ पे और आगे भी काफ़ी अच्छी स्नो मिलेगी, तो चलते हैं थोड़ा ऊपर। तो जी हम लोगों ने अभी एक्टिविटी का पैकेज ले लिया है और आप देख सकते हो हमारा अटायर कैसा लग रहा है। यहाँ पे हमने स्नो स्कीइंग के लिए हमने सिर्फ एक्टिविटी बुक कराई है, जो कि पड़ी है हमें 1500 रुपये एक घंटे के लिए दोनों की, तो मज़ा आने वाला है। इनका शूज़ भी इंक्लूडिंग है और ये सूट भी इंक्लूडिंग है। और यहीं से काउंटर नंबर 17 से हमने बुक कराई थी, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो काउंटर नंबर 17 पे जाना, ये वीडियो दिखाना और डिस्काउंट ले लेना कि इनको तो इतने में दी थी, हमें इससे भी सस्ती दो, ऐसा कह के डिस्काउंट लेना। अगर आपने यहाँ पे और कोई भी एक्टिविटी करी है तो कमेंट करके बताना नारकंडा में आके आपने और कौन सी एक्टिविटी करी है। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 एक्टिविटी होती है, जिसमें बड़ी सी जिपलाइन आ जाती है, फिर एक ट्यूब वाली आ जाती है, ऐसा करके 10 जैसी एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन हमको सारी एक्टिविटी नहीं करनी, हम एक घंटे में सिर्फ एक एक्टिविटी करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, आपको अच्छे से एक्टिविटी दिखाती है। तो चलिए अभी मेरा सूट आपने देख लिया, अभी मिट्ठू का सूट देखिए उसने कैसा पहना है। ये देखो मिट्ठू का अटायर जिसको मिला है ब्लू एंड रेड वाला एक सूट। यहाँ पे हो रही है जिपलाइन, यह है मेन पॉइंट यहाँ का जिसको बोलते हैं नारकंडा का जो स्नो ग्राउंड है, ये पूरा ये मेन ग्राउंड है और यहाँ पे ही सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। फाइनली हमारा टर्न आया स्नो स्कीइंग का और यहाँ पे देखो मिट्टू की हालत। देखिए यहाँ पे हो रही है स्कीइंग और अभी हमने भी बहुत सारी मजे किए और स्कीइंग की। स्कीइंग का जो नीचे का स्कीइंग है जो बेस होता है शूज के साथ, वो 8 किलो का है और शूज को मिला के 10 किलो का हो जाता है। तो आप सोचिए कि 10 किलो पैरों में लगा के घूमना कितना डिफिकल्ट है। ग्राउंड काफी छोटा सा है, इतना कुछ स्पेशियस ग्राउंड नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ कर ले, लेकिन फिर भी लर्नर्स के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे गाइड भी काफ़ी सही है जो आपके साथ रहते हैं और साथ में रह के सिखाते हैं। मैं एक बार भी नहीं गिरा, मतलब मेरे गाइड ने मुझे इस तरीके से सिखाया कि ऐसे झुको ऐसे वेट को लो, एक बार भी नहीं गिरा। मिट्ठू गिरी क्योंकि गाइड मेरे तरफ था, जब वो भी मिट्ठू को सिखाने लगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बाद मज़ा आया यहाँ पे स्कीइंग करने का। तो जी ये रहा ग्राउंड, देखिए सारे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के आइस का कुछ बना रहे हैं, आइस गोला बना रहे हैं, इसके अंदर शरबत डाल के पियेंगे फिर हम लोग। और यहाँ पे देखें यहाँ पे गाइड है सारे, जो मैंने कहा कि गाइड सिखाते हो सारे गाइड यहीं पे होते हैं, और आप जहाँ पे बुकिंग लेते हो अगर रिक्वेस्ट करोगे कि हमें नहीं आता है तो वो अच्छे से आके आपको सिखाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है जब आपके साथ कोई होता है और सिखने में। ये देखो जी हम लोग आए थे अभी ऊपर स्नो से और यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी और यहाँ पे मिट्ठू अपने पैर सेक रही है बुखारी पे, सारे कपड़े वपड़े यहाँ पे ऐसे ही लगे हुए, ये वॉश हो जाता है जब यूज़ हो जाते हैं तब। लेकिन अच्छा यार इतना सहारा भी काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी स्नो है बाहर, देखो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब आप जो मांगोगे वो आपको देने की कोशिश करेंगे। हम लोग आ चुके हैं अपने ओरिजिनल अटायर में, सारे कपड़े वपड़े गीले हो चुके हैं हमारे।
अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में फ़ोटो निकालने के लिए, क्योंकि हमने अपने ये वाले कपड़ों में तो फ़ोटो ली ही नहीं थी स्नो के साथ। जी रास्ते में चलते चलते एक चीज़ नज़र आई तो आपको दिखाने के लिए रुक गया। ये है हॉकी ग्राउंड यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, जो कि है इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड। रास्ते में चल रहे थे तो सोचा आपको एक नॉलेज की बात बता दी जाए। लोग रुके हैं सिया राम सिद्धू के यहाँ पे, टेस्ट ऑफ हिमाचल। यहाँ पे चलते हैं अंदर और खाते हैं सिद्धू। देखो ग्रीन चटनी और देसी घी इसके साथ। अभी आइए सिद्धू, घी दे दो। जी यहाँ पे आ चुका है हमारा सिद्धू, देसी घी और चटनी। अभी मिठू ट्राई करके बताएगी कि कैसा है। कैसा है सिद्धू, टेस्टी है? लिया है यहाँ से चाय और बड़े। हमने यहाँ पे बड़े खाए थे, वापस मिठू को भी खिलाने आ गया मैं। सिद्धू तो सही लगा ना तुझे? देसी घी और चटनी के साथ मस्त लगा। बड़े भी काफी सही है, तो वापस एक चाय और तीन बड़े खाएंगे। ये है कुफरी का फन कैंपस, जो कि यहाँ पे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। और सेम यहाँ पे अगर नीचे जाते हो तो होटल्स वगैरह है, पूरा कुफरी है ये। एक्टिविटीज़ होती है शाम के 6 बजे तक, अब तक बंद हो गई है सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पे होती है स्काई स्विंगर, इंडोर एक्टिविटीज़, फ्रिस्बी, ज़िपलाइन और ये सब होता है। एडवेंचर है काफ़ी सही। और बाहर व्यू देखो कितना सही व्यू है यार, इस व्यू के साथ एक्टिविटी करने का मज़ा भी कुछ अलग है। अभी पहुँचे हम लोग ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे कुफरी जिसके लिए फेमस है, जो कि है हॉर्स राइडिंग। और यहाँ पे गवर्नमेंट डीसी शिमला ने फाइनल कर रखा है कि 500 रुपये में पर पर्सन आपको ले जाने का। अगर कपल है तो 1000 रुपीज़ और सिंगल पर्सन है तो 500 रुपीज़ हॉर्स राइडिंग होती है, जिसके लिए पॉइंट से आगे से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके सारे जीप वगैरह लगे रहते हैं जो आपको बीच रास्ते तक छोड़ते हैं। उसके बाद आपका ट्रैक स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएंगे, इन्हीं के होते हैं घोड़े। तो 500 रुपये में आपको जीप भी आ गई और घोड़ा भी आ गया। और टॉप पे पहुँच के यहाँ पे पूरी स्नो वगैरह है तो बहुत सुंदर लगता है टॉप पे जाके, और सनसेट टाइम पे जाते हैं तो और सुंदर लगेगा। ये दिखाने का मेरा पर्पस था क्योंकि ये कुफरी का मेन पॉइंट है। अगर ये मैं आपको नहीं दिखाता तो फिर कुफरी आना भी बेकार है। तो अगर आप जब भी कुफरी आते हो और शाम का टाइम हो आपके पास या दिन हो, तो आप कुफरी का ये स्नो पॉइंट जरूर करना, स्नो सनसेट पॉइंट, जो कि काफ़ी सही है। और बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। कैब ने हमें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के आगे छोड़ दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। तो जी ये है लक्कर बाज़ार, हमने जहाँ पर ड्रॉप लिया था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोग आए हैं वॉकिंग और ये पूरा लक्कर बाज़ार यहाँ पे आ गया। काफ़ी सही है लक्कर बाज़ार में घूमते घूमते। देखो मुझे क्या मिल गया, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। हंस मत, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ पे देखो माल रोड पूरा, और उसके जस्ट सामने हमारी होटल। ये देखो चर्च बाजू में, माल रोड अभी मस्त सजा हुआ है। अभी चलते हैं होटल और फ्रेशन अप होते हैं फिर निकलेंगे। हो चुके हैं हम लोग फ्रेशन अप और अभी हम लोग जा रहे हैं माल रोड का एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। जी द रिज का हाल देखो, यहाँ पे पूरा द रिज खाली हो चुका है। ये वो वाला पॉइंट है जो हमारे होटल के सामने से दिखता है। अभी पूरा द रिज खाली है, मतलब ये दिन में इतना भरा हुआ होता है कि यहाँ पे आप फोटो खिंचवाओ तो पीछे कोई ना कोई आता है, लेकिन अभी आप कहीं पे भी फोटो खिंचवाओ बढ़िया सा लग रहा है। ये देखो चर्च, हमको देखो यहाँ पे है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला, टाउन हॉल है ये पूरा, कितना सुंदर लग रहा है। तो जो सबसे पहले आए हम लोग माल रोड से उतर के शिव मंदिर, क्योंकि आज है शिवरात्रि, पहले शिव जी के दर्शन करते हैं फिर निकलेंगे आगे। जी हम लोग आए थे शिव मंदिर और देखो शिव मंदिर अभी भरा हुआ है। देखो 9:30 हो रहे हैं, 9:37, और माल रोड की हालत देखो, 9:37 को पूरी माल रोड बंद हो चुकी है। तो अगर आपको डिनर करना है तो टाइम पर आ जाओ 8:30 तक, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। अभी हम शिवजी मंदिर के दर्शन करने गए थे, काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ये रही माल रोड और यहाँ पे है कैंटा बेल पुमा का शोरूम, उसके जस्ट नीचे उतर के हम लोग आए हैं गुप्ता जी भोजनालय, वहाँ पे अब खाने के आइटम देखते हैं क्या क्या है। ये आप देख सकते हो कितने कोने पे है, वहाँ से स्टेयर्स उतर के हम लोग आए। इसी के साथ आ चुका है हमारा खाना, और खाने में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। जी हम लोग हॉट चॉकलेट पीने आए थे केक मास्टर्स में, इकलौती यही शॉप है जो माल रोड पे अभी ओपन है। मतलब मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट की वजह से ओपन है, लेकिन हॉट चॉकलेट मिल गया वही हमारे लिए बड़ी बात है।
तो जी आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अभी रूम पे आ चुके हैं और बज चुके हैं रात के 10, तो जा रहे हैं हम लोग सोने। कल एक्सप्लोर करके आपको नई नई प्लेसेस और दिखाएंगे।